नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं, और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों का साल कैसा जाएगा, वर्षफल क्या रहेगा, ये बताऊंगी, और साथ में साल भर के उपाय भी। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 9 मार्च 2024 है, फागुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम 6:17 तक, और उसके बाद अमावस्या। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:55 तक, और उसके बाद शतभिषा। सिद्ध योग रहेगा रात्रि 8:32 तक, और उसके बाद साध्य। सिद्ध योग के बारे में कहा गया है कि यदि गुरु से ज्ञान लेकर किसी मंत्र पर ध्यान करना हो तो यह उत्तम योग है। इस योग में जो कोई कार्य भी सीखना शुरू किया जाए तो उसमें पूरी तरह सफलता मिलती है। गुरु के साथ बैठकर भक्ति करने के लिए यह बढ़िया समय है। इस योग में भोग विलास से दूर रहें। दिशाशूल रहेगा पूर्व, चतुर्दशी को तिल का तेल खाना व लगाना निषेध है, ऐसा ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है। बात करते हैं राशि फल की। मेष राशि, समाज सेवा के लिए धन राशि दान कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी न मिलने से टेंशन रह सकती है। वृषभ राशि, असंतोष और टेंशन के रहते हुए भी आप कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है, घबराएं नहीं। मिथुन राशि, उच्च पद की नौकरी या व्यवसाय आज आपके जीवन का केंद्र बिंदु रह सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में कुछ समय व्यतीत होगा। कर्क राशि, खान पान का ध्यान रखें, कोई रोग बढ़ सकता है, जरूरत से ज़्यादा न खाएं, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। विद्यार्थी मेडिकल या लॉ की स्ट्रीम चुन सकते हैं। लीडर्स के लिए दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि, ऑकल्ट में रुचि रहेगी, यानी पराविद्या में रुचि रहेगी, घर में रहकर ही मेडिटेशन करें, बाहर जाना टाल दें, संतान से टेंशन मिल सकती है। कन्या राशि, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों के साथ दिन अच्छा बीतेगा, पत्नी को वाहन गिफ्ट कर सकते हैं आज आप। तुला राशि, एडवर्टीजमेंट से जुड़े लोगों की को लाभ होता दिख रहा है। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, गला चेक कराने डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। संतान पर धन खर्च हो सकता है, कला के खेल में या धर्म में रुचि रह सकती है, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि, माँ के साथ समय घर पर ही रहकर समय बिताएं, शिक्षा को लेकर विचार मन में आ सकते हैं या आप आगे शिक्षा कंटिन्यू कर सकते हैं, वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं आप। मकर राशि, विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं, एडवर्टीजमेंट पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, घर से दूर की यात्रा के योग बनते हैं, लेखन के कार्य में मान सम्मान मिलेगा और मन लगेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए आज लाभ ही लाभ है और आज सफलता हाथ लगेगी, हर तरह से सफलता हाथ लगेगी, दोस्तों की मदद करके खुशी मिलेगी। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाय में सफलता, अपने लिए जो आपने सोचा कार्य करने की मन बनाई वो हो जाएगा पूरा। तो ये था हर राशि का राशिफल। अब बात करते हैं कहानी किस्से की। काला चांद गीता एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रोने का रहस्य बताया है। एक बार श्री कृष्ण को रोते देखकर एक गोपी रोने का कारण पूछती है। उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रु जल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी,
मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बात कह दे रहा हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसी के लिए निरंतर रोता ही रहता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डुबकी लगाओगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती ही रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे तो गंगा यमुना की धारा हैं। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है, मेरी प्रियतमा रो रही है। बस मैं भी यह देखते ही रोने लग जाता हूँ, मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रोकर प्राण शीतल करता हूँ। यह है मेरे रोने का रहस्य। अगर आपने भी कभी श्री कृष्ण के प्रेम में डुबकी लगाई है तो बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। और अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस वर्ष अपने मन की इच्छाएं सारी पूरी कर सके, यही मनोकामना है हमारी। 2024 कंपटीशन का साल है। कोई भी नया काम शुरू न करें, नई नौकरी न बदलें, नया घर न लें, जमीन जायदाद के काम सब टाल दें, विवाह अभी के लिए टाल दें, अपने साथ समय बिताएं, अपने लिए सोचें और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को समझें और उनको सुलझाएं, नेगेटिव्स को दूर करें और आगे की योजना बनाएं। योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो बहुत सारे जो हैं टेंशन और लॉसेस ये सब दूर हो जाएंगे। जी तोड़ मेहनत करें तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। वर्ष के आखिर 3 महीने में स्पष्ट हो जाएगा कि आगे के 9 सालों में आप आगे क्या करने वाले हैं। धैर्य और समझदारी से काम करें। बात करते हैं आपके उपायों की। आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 2 सरसों के तेल के दिए जला सकते हैं। शनिवार को कुत्ते को, काले कुत्ते को कुछ थोड़ा सा दूध पीने को दे सकते हैं। लेबर क्लास को बिस्किट दे सकते हैं। हाथ में काला धागा बांध सकते हैं। काला रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ उपाय भी, 1-2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका ये सारा साल अच्छा जाएगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। आपका आज का दिन शुभ रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.